हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कम कपड़े में 7 से 8 साल की बच्ची के कपड़े कैसे बनाएं, वो भी घर पर आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। हम लेंगे 1 मीटर कपड़ा कुर्ती के लिए और 1 ही मीटर कपड़ा हम नीचे ट्राउज़र के लिए लेंगे। इसकी लेंथ लेंगे हम 38 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 30 सेंटीमीटर। अब हम कुर्ती के नीचे वाला पार्ट अलग निकाल लेंगे, जिसकी लेंथ हम लेंगे 18 सेंटीमीटर। और ब्रेथ फुल रख लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा घूम का बनाना चाहते हैं तो और चौड़ाई भी ले सकते हैं। अब हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, आगे और पीछे वाले पार्ट को। अब हम इसमें से ऊपर का निकाल लेंगे और स्लीव्स निकाल लेंगे। अब हम इसकी पेटी का मेजरमेंट कर लेंगे। हमने ये रखा है 9.5 सेंटीमीटर। अब इसको अलग निकाल कर हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे। इसका शोल्डर हमने रखा है 4.5 सेंटीमीटर। अपर मेजरमेंट रखा है हमने 6.5 सेंटीमीटर एंड लोअर मेजरमेंट रखा है हमने 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें मार्क कर लेंगे और इसको शोल्डर को पूरा करके कट कर लेंगे। आगे और पीछे पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब हम आगे वाले पार्ट का शोल्डर थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। अब हम स्लीव्स का मेजरमेंट कर लेंगे और उसे कट कर लेंगे। हमें शोल्डर का मेजरमेंट कर लेना है। हमने शोल्डर भी 5 रखा है और मोरी भी 5 रखी है। अब इसमें शोल्डर का मार्क लगाकर उसको कट कर लेंगे। अब हम ट्राउज़र कट कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसका मेज़रमेंट कर लेंगे। इसकी लेंथ हमें रखनी है 21.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम नेफे के लिए छोड़ देते हैं।
ऊपर और नीचे का मार्क करने के बाद हम इसकी ब्रेथ ले लेंगे। पहले इसको अलग कर लेते हैं। अब इसकी ब्रेथ का मेजरमेंट कर लेते हैं। हम इसके नेफे का मार्क कर लेते हैं और नीचे से जो कपड़ा फोल्ड करेंगे उसका मार्क कर लेते हैं। हमने इसके ट्राउज़र की मोरी 6 सेंटीमीटर रखी है। और इसकी अपर लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर रखी है। अब इसका निशान लगा लेंगे, वो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। याद रखना है दोस्तों, इसका डबल मार्क कर ही कट करना, पहले मार्क पर कट नहीं करना है। इसके आगे और पीछे के पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और बीच में से इसको हाफ कर लेंगे ताकि ट्राउज़र वाला शेप आए। चलिए अब ऊपर कुर्ती के अपर पार्ट को स्टिच करते हैं। पहले हम इसके गले का मार्क कर लेंगे, इसको काट कर फिर हम इस पर पट्टी लगा लेंगे। हम गले का मार्क करेंगे तो 3 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ लेंगे और इसको काट लेंगे। अब हम इसकी पेटी भी काट लेते हैं। अपर पार्ट को उस पर रख कर पूरा भी काट सकते हैं और अगर आप चाहें तो मेज़रमेंट करके भी काट सकते हैं। हम कोटी को कुर्ती के अपर पार्ट से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। चलिए अब आगे वाले कुर्ती के पार्ट पे पट्टी लगा लेते हैं। आगे और पीछे के शोल्डर को भी एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे और साइडों से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। अब साइडों से इसकी तुरपाई भी कर लें। अब हम स्लीव्स में लास्टिक लगाकर ऊपर से स्लीव्स के बॉर्डर को सिलाई लगा लेंगे। और ये याद रखना है कि हमें बॉर्डर की लाइन पर ही सिलाई मारनी है, लास्टिक पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि लास्टिक पर सिलाई नहीं आई है, फिर बाद में इसको कम करने में दिक्कत नहीं होती है। अब इसको कम करके हम मेज़र कर लेंगे। हमें स्लीव्स की मोरी 3 सेंटीमीटर रखनी है। हम इसका मेज़रमेंट करके इस इलास्टिक को कम कर लेंगे। हम स्लीव्स पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स को कुर्ती से अटैच कर लेंगे। मुड्ढे को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं ये कैसी लग रही है। इसके बाद हम ट्राउज़र में सिलाई लगा लेंगे।
हम इसके दो दो पार्ट करके ज्वाइन करेंगे। और बीच में से भी ज्वाइन कर देंगे, देख सकते हैं आप। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। ये देखिए नेफा भी बन चुका है और नीचे से भी हमने फोल्ड कर दिया है कपड़ा। अब हम कोटी को सिलेंगे। कोटी के आगे का पार्ट हम अलग करके उसको काट लेंगे। हम आगे के पार्ट को निकाल कर उसके गले की कटिंग कर लेंगे। पहले इनको बीच से अलग करें, फिर गले की कटिंग कर लें। अब हम इसके कंधे जोड़कर फिर इस पर पट्टी लगा लेंगे। और शोल्डर को भी थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे और नीचे से भी थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे। ये पूरा मोड़ने के बाद आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। अब हम इस पर बद्दी लगा लेंगे। ये तो आप सबको बनाना आती ही होगी, और अगर नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम इसके नीचे डिज़ाइन लगाएंगे। चलिए देखते हैं डिज़ाइन कैसे बनता है। इसको डबल फोल्ड करके रख लें, फिर इसे गोल काट लें ताकि ये ट्रायंगल शेप में आ जाए। हम ब्लैक कपड़े के भी काटेंगे और वाइट कपड़े के भी काटेंगे, और ये ट्रायंगल हम बद्दी में लगा देंगे। नीचे के साइड आप देख सकते हैं ये ऐसे लगेंगे। अब इस पर हम सिलाई मार लेंगे। ये लगने के बाद आप देखिए ये ऐसा लग रहा है। अब हमारी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं आप हमने कम कपड़े में कैसे बनाया है। ऐसे ही और ड्रेसेस देखनी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।